पहले लिखते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, ध्यान से समझना ठीक है। पहले क्या किया, दी हुई कंडीशन को उतारा, इन तीनों में से जिसकी आपकी इच्छा करे लेफ्ट साइड से राइट साइड मिलेगा, हेडिंग लिखा क्यूबिंग बोथ साइड। आइए क्यूबिंग करते हैं। अब देखो क्यूबिंग भी कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में और बाहर थ्री पावर, और ऐसे लिखते हैं माइनस जेड और बाहर थ्री पावर। बच्चे बड़ा क्यूबिंग कैसे करते थे, बस इसे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ऐसे, ये कोई क्यूबिंग तरह होती है, क्यूबिंग तो इस तरह से होती है, ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है थ्री पावर, ऐसे नहीं लिखी जाती जैसे आपने लिखी ठीक। तो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में ऊपर थ्री पावर और माइनस का जेड और ऊपर थ्री पावर। अब जरा बताइए ये आइडेंटिटी आपने द डे बिफोर यस्टरडे आपने पढ़ी थी, दो दिन पहले, बताइए किसी बच्चों को याद हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। सिक्स सेवन एट क्वेश्चन हमने इसी आइडेंटिटी से किया था। माइनस जेड को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जेड। ये बात समझने की है, क्यूबिंग अगर आपने ठीक कर दी तो बस अब तो आपका एक लाइन का आंसर है, क्यूबिंग कर दी, फॉर्मूला खोल दिया आपने, सिक्स सेवन एट क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी पढ़ी ठीक है। चलो फिर से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाई, जरा ये देख के बताओ क्या लिखा हुआ, देख के पढ़ के सुनाओ, एक्स प्लस वाई, बताइए ऊपर x प्लस वाई का आंसर क्या है, माइनस का z, तो मैंने यहां लिख दिया ब्रैकेट में x के माइनस का z। अभी भी आप z को उधर ले गए थे, फिर आपने क्यूबिंग करी, फिर से ब्रैकेट x प्लस वाई आ गया, तो क्या मैं x प्लस वाई की जगह माइनस z नहीं लिख सकता, ये देखो x प्लस वाई की जगह मैंने माइनस z लिख दिया। अब जरा इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xyz और इधर लिखा हुआ है माइनस का जेड क्यूब, ये देखो प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स वाई जेड, क्या किया मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस को माइनस से किया माइनस आया और थ्री एक्स वाई को जेड से किया थ्री एक्स वाई जेड। अब क्या करना है, इसको उठाकर लेफ्ट से राइट में ले जाओ, इसको उठाकर राइट से लेफ्ट में ले जाओ, देखो आपका आंसर प्रूव हो गया, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये माइनस का जेड क्यूब इधर आकर प्लस हो गया, और ये जो माइनस का 3xyz था ये राइट साइड में जाकर क्या हो गया, ये भी प्लस हो गया, और देखो मुझे लगता है आपका आंसर प्रूव्ड हो गया। तो जब भी तीनों का सम जीरो होगा और जब आप इन तीनों के ऊपर क्यूब लगाओगे क्यूब, तो उसका आंसर होगा 3xyz। कैसे किया, इस कंडीशन को उतारा, किसी को भी राइट साइड में लेकर, जरूरी है कि जेड को ले जाओ आप वाई को ले जाओ, आपकी मर्जी है ठीक है। तो x plus y की वैल्यू हो गई माइनस का z, मैंने क्यूबिंग कर दी, वो सर देखो क्यूबिंग कैसे करते हैं, ऐसे ब्रैकेट के बाहर 3 पावर माइनस z, फॉर्मूला बोला x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x plus y, ये तो आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, और माइनस का z 3 बार मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया, माइनस z, कहां से आया ये रहा x plus y की वैल्यू माइनस z, देखो x plus y की वैल्यू माइनस का z ये रहा ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स वाई जेड, बस माइनस वाली ये टर्म लेफ्ट से कहां लिख दी राइट में, और वो जो माइनस का जेड क्यूब चल रहा था प्लस, इधर आके प्लस हो गया, जरा देखना फॉर्मूला बन गया कि नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल थ्री एक्स वाई जेड, ये देखिए बताइए समझ में आया कि नहीं। तो आज हमने दो बड़े प्रूफ किए, ये क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा 13 ठीक है। तो नई आइडेंटिटी में हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन नंबर 13, नई आइडेंटिटी में हमने क्वेश्चन पढ़ा कौन सा पढ़ा 11th, और तीन चार क्वेश्चन उसके किए, ये बात ये वाला आप अपने आप करना ठीक, और 14th और 12th और 13th क्वेश्चन मैंने बड़ा प्रूफ किया राइट, इन दोनों की प्रैक्टिस करके देखो, फिर भी कोई दिक्कत आए मुझे बताओ मैं दोबारा कर दूंगा ठीक। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बचा 14th, और इनसे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, कोई एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, और एक क्वेश्चन अब आपकी एक आइडेंटिटी रह गई बस, कौन से क्वेश्चन की 14th की, तो मैं इसके साथ नहीं कर रहा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए सोचिए तो कैसे कैसी आइडेंटिटी है कैसे कैसे है, तो फिर मैं 14th क्वेश्चन अलग से करूंगा और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है।
अपने आप आज की प्रैक्टिस करिए और सारी आइडेंटिटी को एक साथ क्या करके देखिए, आज लिख के देखिए कि ये वाली आइडेंटिटी है, ये है, ये है, ये है, लिख के भी देखना है और बार बार मुंह से बोल के भी देखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।